हेलो एंड वेलकम क्लास। ये आज हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के वीक फर्स्ट का दूसरा ऑनलाइन क्लास है। सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद हमने फिर पढ़ा था पावर कन्वर्जन, पावर कंट्रोल, ये चीज़ सारी हमने पढ़ी थी। इसके अलावा हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लेकिन वो इस सेंस में हमने पढ़ा था कि उनकी पावर रेटिंग वो नॉर्मल जो कंपोनेंट्स है उनसे हाई हो, क्योंकि ये कंपोनेंट्स हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करेंगे और इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास हाई पावर लोड्स होते हैं। बाय हाई पावर लोड आई मीन कि वहाँ पे जो मोटर्स वगैरह यूज़ होते हैं उनकी रेटिंग हाई होती है, तो उसके लिए हम ऐसे कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे जिनकी पावर रेटिंग भी उसी से ज़्यादा हो ताकि वो बर्दाश्त कर सके इतनी हाई करंट और वोल्टेज को बगैर किसी डैमेज के। तो ये सॉर्ट ऑफ अ क्विक रिकैप था लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था। इस वीक में हम पढ़ेंगे रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ डायोड। रिवर्स रिकवरी टाइम, जिस तरह नेम से जाहिर है कि ये हमारे पास वो टाइम है जो डायोड लेता है रिकवरी में। एक्चुअली मैं इसको अब क्लियरली डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ तो तब आप लोगों को समझ आ जाएगी। लेट सपोज हमारे पास एक डायोड है जो फॉरवर्ड बायस्ड है और फॉरवर्ड बायस में एज वी नो के ये कंडक्ट करेगा। तो लेट सपोज ये हमारे पास डायोड का सिंबल है और वो फॉरवर्ड बायस्ड है। फॉरवर्ड बायस्ड मीन के ये जो कैथोड है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और ये सॉरी प्लस के साथ कनेक्टेड है डायोड का एनोड और ये कैथोड कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। प्लस इज कनेक्टेड टू एनोड एंड माइनस इज कनेक्टेड टू कैथोड। सो इन दिस केस डायोड विल कंडक्ट और इस केस में जो हमारे पास करंट फ्लो होता है कन्वेंशनल करंट उसकी डायरेक्शन ये होती है, इसको हम कहते हैं IF। सो एक्चुअली अब हम डिस्कस करते हैं कि रिवर्स रिकवरी टाइम एक्चुअली है क्या। रिवर्स रिकवरी टाइम एक्चुअली जब हम इस फॉरवर्ड बायस डायोड को रिवर्स बायस कर लेते हैं अचानक, लाइक फॉर एग्जांपल सपोज अब हम इसको रिवर्स बायस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हमारे पास इस तरह रिवर्स बायस हो जाएगा कि हम इसको नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और हम इसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अब ये डायोड हमारे पास रिवर्स बायस्ड हो गया। एज वी नो कि रिवर्स बायस में डायोड के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं करती है, लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है और इसको और उसी करंट को हम कहते हैं रिवर्स रिकवरी करंट और उसकी डायरेक्शन इस तरह होती है लाइक अपोजिट टू द प्रीवियस वन और इसको हम डिनोट करते हैं IS से। इट मीन्स के डायोड जब रिवर्स बायस हो जाता है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती बल्कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है जिसको हम कहते हैं IS। और ये IS अब किस वजह से फ्लो करता है, ये IS माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करता है। कौन से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, जो हमारे पास पी इन जंक्शन में पड़े होते हैं, पी इन जंक्शन के डिप्लीशन रीजन में पड़े होते हैं और बल्क रेजिस्टेंस बल्क मटेरियल की वजह से जो जहाँ पे वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब बल्क क्या है, बल्क क्या है कि हमारे पास डायोड का जो मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं बल्क। इसका मतलब ये है कि हमारे पास तो एक जंक्शन भी होता है और जंक्शन के एक साइड पे एन टाइप होता है और जंक्शन के दूसरी साइड पे पी टाइप होता है, लेकिन बल्क रेजिस्टेंस या बल्क चार्ज कैरियर वो चार्ज कैरियर होते हैं जो हमारे पास
बल्कि लाइक मटेरियल्स में होते हैं। कि इसका मतलब है कि डिप्लीशन रीजन की वजह से भी हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, लेकिन उसको हम बल्क रेजिस्टेंस नहीं कहते, क्योंकि वो रेजिस्टेंस एक्चुअली जंक्शन की वजह से होती है। बल्क रेजिस्टेंस क्या है? बल्क रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस है जो डायोड के मटेरियल की वजह से होता है। तो बल्क एक्चुअली क्या है? बल्क एक्चुअली है कि हमारे पास डायोड का जो मटेरियल है उसको हम कहते हैं बल्क। अब सेमीकंडक्टर की वजह से, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल की वजह से भी माइनॉरिटी चार्ज के रेज क्रिएट होते हैं, और डिप्लीशन रीजन में भी हमारे पास माइनॉरिटी चार्ज के रेज होते हैं। इन दोनों का जब हम कंबाइन कर लेते हैं, और इन दोनों की वजह से जो करंट फ्लो करती है उसको हम कहते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और सॉरी उसको हम कहते हैं रिवर्स लीकेज करंट, और इसको हम डिनोट करते हैं IS से। अब आते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम, कि ये अब एक्चुअली होता क्या है। तो रिवर्स रिकवरी टाइम एक्चुअली वो टाइम होता है कि जिस टाइम में हमारे पास ये IS ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, और आखिर में ये हो जाती है ज़ीरो। क्यों ज़ीरो हो जाती है? ज़ीरो इसलिए हो जाती है कि जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन और होल पेयर की जनरेशन होती है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन और होल पेयर की रिकम्बिनेशन होती है। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन क्या है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन ये है कि जब हमारे पास पी एन जंक्शन होता है और उसकी टेम्परेचर या थोड़ी सी हम ज़्यादा कर लेते हैं, तो सेमी कंडक्टर की आउटर मोस्ट सेल से वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज हो जाता है और कंडक्शन बैंड में चला जाता है। तो वैलेंस बैंड में होल पैदा हो जाता है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और होल के पैदा होने को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। और थोड़ी देर बाद जब रूम का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली उसी होल के साथ कंबाइन हो जाता है और इलेक्ट्रॉन होल पेयर ख़त्म हो जाता है। तो इसी कम्बिनेशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकम्बिनेशन। तो रिवर्स रिकवरी टाइम एक्चुअली वो टाइम होता है जितने टाइम में ये IS हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। तो एक्चुअली इसी को हम कहते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। क्यों हम पढ़ते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इस सब्जेक्ट में ये इंक्लूड किया गया है? रिवर्स रिकवरी टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है इन केस ऑफ स्विचिंग। अब स्विचिंग क्या है? स्विचिंग कहाँ पे यूज़ होती है? जिस तरह हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास लोड्स के लिए हम क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं और पावर कन्वर्ट करते हैं। तो ये पावर की कन्वर्जन और लोड्स की कंट्रोल हम किस चीज़ के थ्रू करते हैं? स्विचिंग के थ्रू करते हैं। स्विचिंग एक्चुअली क्या है? स्विचिंग एक्चुअली ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक सोर्स है, DC सोर्स मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये AC भी हो सकता है, और ये हमारे पास एक यहाँ पे स्विच आ गया, और ये हमारे पास लोड रजिस्टर आ गया। अब स्विचिंग क्या है? ये हमारे पास 12 वोल्ट है और रजिस्टर की भी आप कोई वैल्यू कंसिडर कर लें। फॉर एग्जांपल ये स्विच अब ओपन है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो RLA के अक्रॉस कोई कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल मैं इस को क्लोज कर लेता हूँ, तो इस वोल्टेज सोर्स की वजह से यहाँ पे करंट फ्लो होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगी। ठीक है, इसका मतलब है कि जब ये क्लोज होगा यहाँ पे लोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी, जब ये ओपन होगा तो हमारे पास करंट फ्लो नहीं करेगी, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा। इसको एक्चुअली हम कहते हैं स्विचिंग, टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। इस स्विचिंग ऑन और ऑफ की वजह से यहाँ पे लोड के अक्रॉस वोल्टेज मिलती है और लोड के अक्रॉस वोल्टेज
नहीं मिलती। ठीक है, ये स्विचिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। आगे आगे के टॉपिक्स में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि स्विचिंग हम क्यों करते हैं, किस तरह करते हैं और किस लिए करते हैं। ठीक है, तो मेरा एक्चुअली मकसद ये था कि आप लोगों को इसका अंदाज़ा हो जाए कि रिवर्स रिकवरी टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है। रिवर्स रिकवरी टाइम इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी सर्किट में किसी स्विच का रिवर्स रिकवरी टाइम ज़्यादा होगी, तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस स्विच को क्लोज भी कर लें तो हमारे पास यहाँ पे करंट फ्लो करेगी, क्योंकि स्विच हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं एज अ स्विच, या तो हम डायोड को करते हैं या ट्रांजिस्टर को करते हैं या थायरिस्टर को करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि एज अ स्विच हम कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ करेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विचिंग के लिए यूज़ ही होते हैं पावर डायोड्स होते हैं, पावर ट्रांजिस्टर होते हैं और पावर थायरिस्टर होते हैं। तो लेट सपोज अगर डायोड यहाँ पे लगा है और वो रिवर्स बाइस भी है और उसके अक्रॉस फिर भी करंट फ्लो करेगी, तो इसका मतलब ये है कि हमारे इस स्विच का कोई भी मकसद नहीं है, यहाँ पर इसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि स्विच हम किस लिए यूज़ करते हैं, स्विच के दो कंडीशंस होती हैं कि अगर स्विच क्लोज्ड हो तो उसके अक्रॉस करंट फ्लो करे और अगर स्विच ओपन हो तो उसके अक्रॉस करंट फ्लो ना करे। तो अब अगर हमारे पास एक स्विच का या एक डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि स्विच क्लोज भी होगा लेकिन तब भी हमारे पास स्विच के अक्रॉस इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ये जो स्विच लगा है, ये जो ट्रांजिस्टर लगा है, ये जो डायोड लगा है, ये हमारे पास यूजलेस है। यूजलेस इसलिए है कि हमारे पास स्विच हम कंसिडर करेंगे कंसिडर नहीं सॉरी हम ये सोचेंगे कि हमने स्विच क्लोज किया है लेकिन फिर भी लोड के अक्रॉस करंट फ्लो कर रहा है। तो इसलिए हम रिवर्स रिकवरी टाइम स्टडी कर रहे हैं और स्विचिंग डिवाइसेस में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि हम इस ऐसे स्विचिंग डिवाइसेस या ऐसे स्विचिंग डायोड्स, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर्स डिज़ाइन कर लें, इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर करें कि जिसकी रिवर्स रिकवरी टाइम कम से कम हो। और आजकल इस पे बहुत काम हो रहा है और बहुत ही ऐसे एडवांस टेक्निक्स आए हैं कि जिसकी बदौलत ये हमारे पास रिवर्स रिकवरी टाइम काफ़ी हद तक कम हो गई है। तो ये एक्चुअली पूरा कंसेप्ट था रिवर्स रिकवरी टाइम का, और रिवर्स रिकवरी टाइम हम किस लिए यूज़ करते हैं और क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास आते हैं यहाँ पे एक ग्राफ है रिवर्स रिकवरी करेक्टरिस्टिक करो। तो एक्चुअली हमने पढ़ा रिवर्स रिकवरी टाइम। रिवर्स रिकवरी टाइम एक्चुअली हमारे पास इक्वल होता है टी ए के एंड टी बी की। टी ए एंड टी बी मीन्स कि हमारे पास ये टी आर आर इक्वल है टी ए प्लस टी बी। तो इसका ये ग्राफ अब हम स्टडी करते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये जो ग्राफ है आई एफ, ये जो ग्राफ है इसका मतलब है कि इस टाइम हमारे पास डायोड क्लोज्ड है, लाइक डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है। तो जब डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, ये फॉरवर्ड वोल्टेज हमने अप्लाई किया है और ये आई एफ है जो फॉरवर्ड करंट फ्लो कर रहा है। अब हमारे पास लेट सपोज हमने वोल्टेज अप्लाई किया है तो इस केस में ये जो ग्राफ है ब्लैक कलर सॉरी ये है कि इस यहाँ पे हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ से एक्चुअली हम क्या कर लेते हैं, हम डायोड को रिवर्स बाइस्ड कर लेते हैं। ठीक है, टिल नाउ हमारे पास ये केस था कि हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है, ये आई एफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये एनोड प्लस के साथ कनेक्टेड है और कैथोड नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। अब हम क्या करते हैं कि इसको नेगेटिव
ये अब हमारे पास क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस जब हम कर लेते हैं तो करंट की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी। और ये हमारे पास करंट कौन सा है, आई एस है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास ये आई एस की ग्राफ है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ ये पॉइंट एक्चुअली हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई एस को, आई एस है ये, और इसको हम कहते हैं आई आर आर, ठीक है। मैक्सिमम रिवर्स रिकवरी करंट को हम क्या कहते हैं, आई आर आर, ठीक है। जब ये मैक्सिमम, ये आई एस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है तो उसके बाद ये आई एस की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जा रही है। तो ये रेड कलर आई एस की वो वैल्यू है जो हमारे पास डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। और टी ए वो करंट है जो हमारे पास डिप्लीशन रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरेज होते हैं, और ये वो करंट है जो हमारे पास डायोड की मटेरियल की वजह से जो माइनॉरिटीज होती है, माइनॉरिटी चार्ज क्रिएट होती है, ये पोर्शन उसकी वजह से है। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है कि टी ए प्लस टी बी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टी ए प्लस टी बी है, ठीक है। अब हम देखते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है कि टी ए दिस टाइम इज ड्यू टू चार्ज स्टोरेज एट डिप्लीशन रीजन एंड रिप्रेजेंट्स टाइम फ्रॉम जीरो क्रॉसिंग टू आई आर आर, ठीक है। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि यहाँ से इसको कहते हैं जीरो क्रॉसिंग और इसको कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई एस एस जो हमने डिनोट किया है आई आर आर की, ठीक है। तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये एक्चुअली डिप्लीशन रीजन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं उनकी वजह से होता है, फ्लो करता है। और यहाँ पे मैंने लिखा है कि टी बी ड्यू टू चार्ज स्टोरेज एंड बल्क रेजिस्टेंस। बल्क रेजिस्टेंस मीन्स के हमारे पास जो बल्क जो मटेरियल है सेमीकंडक्टर का, उसकी वजह से जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उसकी वजह से जो करंट फ्लो, जो रिवर्स करंट फ्लो करता है, ठीक है, उसको उसको हम कहते हैं टी बी। ये है एक्चुअली है फ्रॉम फ्रॉम ये एक्चुअली यहाँ से मैक्सिमम से इस पॉइंट तक है, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 25% ऑफ आई आर आर, ठीक है। तो एक्चुअली अब इसका मतलब ये हो गया कि हम रिवर्स रिकवरी टाइम वो टाइम है जो टाइम हमारे पास जो ही हम डायोड को रिवर्स कर लेते हैं और जब इसी रिवर्स करंट की वैल्यू 25% ऑफ मैक्सिमम तक चली जाती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। और रिवर्स रिकवरी टाइम हमारे पास इक्वल है टी ए प्लस टी बी के, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल है टी ए प्लस टी बी, वहाँ पे मैंने लिखा है टी ए एंड टी बी, तो इसमें कन्फ्यूज ना हो आप लोग। टी ए एंड टी बी इज इक्वल टू टी ए प्लस टी बी। तो ये हमारे पास आ गया रिवर्स रिकवरी टाइम, ये ग्राफ है हमारे पास करेक्टरिस्टिक कर्व है रिवर्स रिकवरी का। तो ये पोर्शन हमारे पास फॉरवर्ड बाइस्ड के लिए है, ये पोर्शन हमारे पास जब हम डायोड को रिवर्स कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं जीरो क्रॉसिंग। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे रिवर्स लीकेज करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर रिवर्स लीकेज करंट की वैल्यू 25% ऑफ इस मैक्सिमम के हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो टाइम
लेता है या जो टाइम होता है इसको हम कहते हैं TRR या रिवर्स रिकवरी टाइम। तो अब हमारे पास वो डायोड अच्छा होगा, वो ट्रांजिस्टर अच्छा होगा, वो थायरिस्टर अच्छा होगा जिसके लिए ये TRR की वैल्यू कम से कम हो। ये जितनी कम हो ये वैल्यू उतनी हमारे पास स्विचिंग अच्छी होगी, उतनी हमारे पास करंट फ्लो नहीं करेगी जब हमारे पास डायोड ट्रांजिस्टर या थायरिस्टर ऑफ होगी। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास रिवर्स रिकवरी जो टाइम है वो इम्पोर्टेंट है और हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास रिवर्स रिकवरी टाइम कम से कम हो। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा टर्म आता है रिवर्स रिकवरी चार्ज। रिवर्स रिकवरी चार्ज वो चार्ज है जो रिवर्स रिकवरी टाइम में फ्लो करता है अक्रॉस दी डायोड। इसका मतलब ये है कि इस टाइम इंटरवल में हमारे पास इस डायोड के अक्रॉस जितने भी चार्ज फ्लो करे उसको हम कहते हैं रिवर्स रिकवरी चार्ज। हमारे पास ये डायोड रिवर्स बाइस्ड है और TRR ड्यूरेशन के दौरान इसके अक्रॉस जितने भी चार्ज मूव कर ले, जितने भी चार्ज यहाँ से इस तरफ मूव कर ले तो उसको हम कहते हैं रिवर्स रिकवरी चार्ज। जिस तरह अभी हमने कहा कि रिवर्स रिकवरी टाइम की जो वैल्यू है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो अब हम इसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं कि TRR किस चीज़ के इक्वल है। तो ये फॉर एग्जांपल ये वही ग्राफ है, रिवर्स रिकवरी करेक्टरिस्टिक करो है। ये IF है जब हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है, और ये हमारे पास TA है, यहाँ से यहाँ तक TB है, और टोटली हमारे पास क्या है TRR। बिकॉज हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि TRR इज इक्वल टू TA प्लस TB, ये हमारे पास वो कंडीशन है जब हमारे पास डायोड रिवर्स बायस्ड हो। ठीक है, और ये हमारे पास IRR है। IRR मींस के मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स लीकेज करंट। सो यहाँ पे TRR इज इक्वल टू TA प्लस TB आ गया। सिमिलरली फिर हमारे पास एज वी नो दैट स्लोप इज इक्वल टू राइज बाय रन इज इक्वल टू DI बाय DT इज इक्वल टू IRR डिवाइडेड बाय TA। ये हमारे पास स्लोप की डिफिनीशन है कि स्लोप इज इक्वल टू राइज बाय रन। सो ये राइज बाय रन हम अब यहाँ पे TAA की ये जो ट्राइंगल सी है यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। सो IRR डिवाइडेड बाई TA, IRR हमारे पास राइज है और रन हमारे पास TA है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन डिराइव दैट IRR इज इक्वल टू TA इंटू TI डिवाइडेड बाई DT, जो हमारे पास इक्वेशन वन बन गई। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ ट्राइंगल वी कैन फाइंड, ये जो मैंने रेड कलर में ट्राइंगल ड्रा किया है तो ये मैं इसलिए ड्रा किया है कि हमें पता चले कि हमारे पास ट्राइंगल की एरिया हम किस तरह फाइंड करते हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक ट्राइंगल लिया है जिसमें हाइट इसकी h है और हमारे पास बेस की वैल्यू b है। तो अब अगर इसकी एरिया फाइंड करेंगे तो इसके लिए फार्मूला है a इज इक्वल टू 1/2 इंटू h इंटू b। h इज हाइट एंड b इज बेस। तो ये अगर हम इसी ट्राइंगल पे अप्लाई कर लें जो रिवर्स बाइस की कंडीशन में बन रही है, जो रिवर्स बाइस की कंडीशन में जो जो ट्राइंगल बन रही है, लेकिन ये ट्राइंगल इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मीन्स के उल्टा है, उलट है। ठीक है, तो ये फार्मूला अब हम अगर इसी इन्वर्टेड ट्राइंगल पे अप्लाई कर ले तो ये बन जाता है QRR इज इक्वल टू हाफ IRR इनटू TRR। QRR क्या है? QRR है टोटल चार्ज। सो ये हमारे पास ये जो इन्वर्टेड इन्वर्टेड ट्राइंगल बन रही है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है, ये हमारे पास ये टोटली टोटल चार्ज है जब हमारे पास डायोड रिवर्स बायस में कंडक्शन कर रहा है। सो
सो क्यू आर आर इज इक्वल टू हाफ वन आई आर आर इंटू टी आर आर। अब हम अगर क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो टू दूसरी साइड पे चला जाएगा और टी आर आर भी हम डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड्स पे, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर टू बन गई, आई आर आर इंटू टू क्यू आर आर डिवाइडेड बाई टी आर आर। ये हमारे पास इक्वेशन टू बन गई और हमारे पास इक्वेशन वन भी ऑलरेडी बन गई है, ठीक है। अब हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर ले, मींस के इक्वेशन नंबर वन भी आई आर आर के इक्वल है और इक्वेशन नंबर टू भी आई आर आर ई के इक्वल है, सो दोनों सेम है तो दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, वो बन जाता है टी ए ए डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू टी क्यू टू क्यू आर आर डिवाइडेड बाई टी आर आर। अब हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन कर लेते हैं, तो ये टी आर आर दूसरी साइड पे चला, लेफ्ट साइड पे चला जाता है और डी आई डिवाइडेड बाई डी टी इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं ऑन बोथ साइड्स, तो ये दूसरी साइड पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। टी आर आर इंटू टी ए इज इक्वल टू टू क्यू आर आर डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी। अब फॉर एग्जाम्पल टी बी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, देन ये हम अगर ये टाइम हमारे पास क्या बन गया, ये टाइम हमारे पास जीरो बन गया, ठीक है, ये टाइम हमारे पास नहीं है तो क्या बन जाएगा, टी ए ए विल बी इक्वल टू टी आर आर। सो टी ए इज इक्वल टू टी आर आर, तो टी ए की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, टी आर आर, तो ये बन जाएगा टी आर आर स्क्वेयर। दूसरी साइड पे वही सेम इक्वेशन आ जाएगी, क्यू आर आर डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बन जाता है दोनों साइड्स पे, अगर हम स्क्वेयर रूट ले लें तो स्क्वेयर रूट टू के साथ कैंसिल हो जाता है, टी आर आर बन जाता है इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट टू क्यू आर आर डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी, इक्वेशन बन जाता है थ्री। अब इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन नंबर टू में पुट कर लेते हैं डिनोमिनेटर में टी आर आर की वैल्यू, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाता है, ये बन जाता है प्री इक्वेट हो जाता है अंडर द रूट टू क्यू आर आर डी आई बाई डी टी, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है रिवर्स रिकवरी करंट की, ठीक है। और हमारे पास टी आर आर की वैल्यू बन गई थी टी आर आर इन टू अंडर द रूट टू क्यू आर आर डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी, ये रिवर्स रिकवरी टाइम की इक्वेशन है, ये हमारे पास मैक्सिमम रिवर्स लीकेज करंट की इक्वेशन है। अब हम निकालते हैं रिवर्स रिकवरी चार्ज की इक्वेशन, तो एज वी नो दैट टी आर आर इज इक्वल टू अंडर द रूट टू क्यू आर आर डिवाइड बाई डी आई बाई डी टी, सो टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स, तो टी आर आर स्क्वेयर बन जाएगा, स्क्वेयर रूट स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी क्यू आर आर ये दूसरी साइड पे चला जाएंगे, तो हाफ डी आई बाई डी टी इन टू टी आर आर स्क्वेयर। सो स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली हमने क्या किया, ये हमने एक्चुअली रिवर्स रिकवरी टाइम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स लीकेज करंट और रिवर्स रिकवरी चार्ज के लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस डिराइव कर लिए। इस इक्वेशंस के थ्रू हम रिवर्स रिकवरी टाइम, रिवर्स रिकवरी चार्ज और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिवर्स रिकवरी करंट की वैल्यूज हम डिराइव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पूरी डिस्कशन हो गई रिवर्स रिकवरी टाइम की और हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी इसके लिए निकाल लिए हैं। सो अब इस लेक्चर में अगर आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई बात मेरी समझ नहीं आई हो, तो आप लोग मेरे साथ गूगल क्लासरूम के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर टू और वीक नंबर सेकंड और लेक्चर नंबर थर्ड में मिलेंगे इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।